बंधु, एक लंबे अरसे से जो है कलम चला रहा हूं और चलाते चलाते जो है पूरे जो है 4.5 दशक बीत गए हैं। पिछले 6 माह 7 महीने से जो है तकलीफ है मुझे, संसार से कट गया, लेखन से भी कट गया, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, बड़ी निराशा से छा गई। बहुत सारा इलाज कराया, इधर गया उधर गया, भटकता रहा और अब स्थिति ये बिगड़ बन गई है कि ऐसा लगता है कि जीवन का जो अंतिम समय आ गया है। मूल्यांकन करता हूं कि मैंने जीवन भर क्या किया। लोग आज भी ताने मारते हैं कि तुमने लेखन में अपना जीवन बिखाया, कुछ नहीं मिला, इससे अच्छा नौकरी करते तो पैसा होता, सब कुछ होता। खैर, इसका मुझे पछतावा नहीं है, पछतावा तो सिर्फ अपना इतना ही है, जो जीवन मैंने जिया उसका मैंने दूसरों को लाभ नहीं दे पाया। मैं स्वयं के लिए जिया हूं, दुनिया के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं। कोशिश बहुत की लेकिन कुछ नहीं मिला और आज स्वयं को ही कोस रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से दिमाग में, मस्तिष्क में एक बात आती रही। 2-3 उपन्यास मेरे प्रकाशित हुए हैं, 4 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, लोगों ने सराहा, बहुत अच्छा किया, मगर मन को फिर भी शांति नहीं हुई। पिछले 1 माह से मन में आया कि कुछ अपने दोस्तों मित्रों से जो है सीधे वार्ता करूं और उनके सम्मुख प्रस्तुत हूं। तो उसके लिए मैंने कुछ चंद कविताएं अपने मन की छोटी मोटी जो कुछ भी है उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयास किया था, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और सच तो है कि सबसे पहले अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे अपना गांव सबसे बड़ा प्यारा लगता है, सभी को लगता होगा। और अपने गांव के संबंध में मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, उससे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस कविता का शीर्षक है मेरा गांव। आज तुम्हें मैं सुना रहा हूं एक सुहावना सच्चा किस्सा, नहीं कहानी ना कोई कविता, ये है मेरे जीवन का हिस्सा। मेरे गांव के मध्य में है एक बड़ा सा पेड़ पीपल का, गांव से दूर काली मंदिर है जिसके ऊपर कलश पीतल का। मंदिर के इर्द गिर्द बड़े खेत हैं, मंदिर परिसर में पेड़ आम का, फल और छाया देता ही है यह पेड़ बड़े काम का। शास्त्रों में वर्णन पीपल आम का, आम को आम्र भी कहते हैं, पीपल तो है वृक्ष पूजा का, इसी में विष्णु निवास करते हैं। पीपल की घनी पत्तियां देती लोगों को, मंदिर की घंटियों से झंकृत होता हरदम सारा गांव। लोग बैठते पीपल के नीचे, मिटाते अपनी देह थकान, गूंजती किलकारी बच्चों की, मतवाले सुनाते मुरली की तान। कथा पाठ व्रत पूजा मंदिर में होते अनेक धार्मिक अनुष्ठान, भक्तों को मिलते प्रसाद में बहुत मधुर स्वादिष्ट पकवान। बड़ा पुण्य हमारा यह मंदिर है, हमारे पूर्वजों की धरोहर, बड़ा सुहावना मंदिर परिसर, लगता है हमें अपना सा घर। खाली मैदान है चारों ओर, आने जाने को रास्ते पक्के, मेले की भीड़ भाड़ में भी नहीं लगते हैं धक्के। ते ढोल नगाड़े उड़ते गुब्बारे, मेले की रौनक का क्या कहना, रंगारंग होता मेले का नजारा, लगता है सब मंदिर का गहना। धन्य है मेरा यह जीवन, जन्म लिया ऐसे पुण्य गांव में, जीवन की सांस ले रहा हूँ पीपल आम की शीतल छाँव में।